हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर और मिर्च की चटपटी चटाकेदार चटनी। अगर आप भी मसालेदार सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। जो चटनी एकदम खाने में बहुत ही चटपटी लगती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दो टमाटर ले लेंगे, एक हमने मीडियम साइज की रखी, एक छोटी साइज की है। फिर हमने इसमें 10-12 लाल मिर्च का यूज किया है, सूखी लाल मिर्च है, तीखी वाली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें पानी डालकर इसे 5 मिनट बॉइल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 30-40 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो हमने जो टमाटर और मिर्ची बॉईल की थी वो हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। जो टमाटर है उसका हमें छिलका उतार लेनी है, ये देखिए। इसके बाद हम मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिसे हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो इसे चाकू से छोटा छोटा काट भी सकते हैं, पर हमने यहाँ मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करके इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना, सिर्फ हल्का सा इसे भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद हम इसमें जो टमाटर मिर्च की पेस्ट थी उसे हम इसमें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका अच्छे से सूख जाए। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि चिपके ना, और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जल सकती है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर कलर पाउडर यूज किया है कलर के लिए, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जब चटनी थोड़ी सी पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आपको अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। हमने यहाँ पर तीखी वाली मिर्च का यूज किया, इसलिए हम टेस्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर चीनी का यूज करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। अगर आपको चीनी नहीं डालनी हो तो आप लेमन जूस का मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये पक रहा है धीरे धीरे हमारा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, पर हमें यहाँ पर धनिया की पत्तियाँ यूज नहीं करना है, इसलिए हमने पत्तियाँ को अलग निकाल लिया है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल छोड़ रहा है, मतलब लगभग ये पक ही चुकी है। ये देखिए इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है ना फ्रेंड्स, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करके देखें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तैयार है हमारी चटपटी चटाकेदार टमाटर मिर्ची की चटनी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये सब के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई करके देखें। जब कभी भी आपका चटपटा खाने का मूड हो तो ये रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।